प्लेटफॉर्म से मैं जनाब चौधरी शबीर अहमद साहब को वेलकम करता हूँ पुरान की तरफ से। और मैं वेलकम करता हूँ आपको गुलियाना की तरफ से, तहसील खारिया NA107 डिस्ट्रिक्ट गुजरात पंजाब, और इसमें तकरीबन पाकिस्तान के बाकी जो सूबे हैं उनसे भी हमारे मेहमान आए हुए हैं। तो हम पूरे पाकिस्तान की तरफ से आपको न्यूयॉर्क के विज़िट पे, USA के विज़िट पे वेलकम करते हैं। ये हमारी खुशकिस्मती है कि एक ऐसा इंसान पाकिस्तान की प्रोविंशियल असम्बली में गया है जिसकी ज़िंदगी का ज़्यादातर टाइम जो है वो ओवरसीज़ में गुजरा है। और ये हमारी खुशकिस्मती है कि ये OPC के मेंबर भी हैं। तो मेरे ख्याल में जो ओवरसीज़ हैं उनके प्रॉब्लम इनसे बेहतर ना कोई समझ सकता है और ना कोई सीरियसली इनको जो है वो हल करने के लिए कुछ काम कर सकता है। तो इसके साथ मैं दोबारा आपका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ कि आपने भी, आपका ये निजी दौरा था मगर तमाम दोस्तों के इसरार पे आपने भी टाइम दिया और सबको मिलने का मौका दिया। चौधरी साहब सिर्फ MPA नहीं है बल्कि पूरे पंजाब असम्बली से सिर्फ 4 MPA ऐसे हैं जो ओवरसीज पाकिस्तानी कमीशन पंजाब के मेंबर हैं। और इंशाअल्लाह अगर आप में से किसी को पाकिस्तान में कोई भी प्रॉब्लम हो, ज़मीन का कोई मामला हो, प्लाट की कोई प्रॉब्लम हो या और कोई ऐसा मसला हो जिसमें पुलिस आपकी सुनवाई नहीं कर रही, तो आप बगैर किसी झिझक के इनसे रब्ता करें। गुजरात में अगर अख्तियार है तो कोटला ब्रादरान के पास है, एक भाई MPA है, एक भाई MNA है। इन्होंने जिस तरह अपने अख्तियार को इस्तेमाल किया है, मैं समझता हूँ कि सब भाई आप उधर लोग के हैं, किसी के साथ कोई ज़्यादती हुई हो, किसी के ख़िलाफ़ झूठी FI आ रही हो। मैं समझता हूँ चौधरी अबर रज़ा साहब जो इंतहाई दीनदार और नेक शख्स है, मैंने उन्हें देखा है, मेरे पास बैठे हुए कई दफ़ा उन्हें कॉल आती है, कोई बंदा कहता है जी ये फ़लाँ ने डकैती की, हमारी सिफारिश कर दें, फ़लाँ ने चोरी की है, वो कहते हैं नहीं जी मैं किसी चोर डकैत की कोई सिफारिश नहीं करूँगा, मेरिट पर काम होगा, कोई झूठी FIR नहीं होगी। पूरी दुनिया दहशतगर्दी में नाकाम हुई, पाकिस्तान में बमबारों ने हमला किया, पाकिस्तान को बदनाम करने की कोशिश की गई, पाकिस्तान में बहुत से लोग पावर में आए, लेकिन आज जो फरजंदा ने गुजरात जनरल राहील शरीफ ने किया है, उन दहशतगर्दों को शिकस्त दी है और पाकिस्तान में अमन बहाल किया है। मैं अपने कायदे मोहतरम मियां मोहम्मद नवाज शरीफ से आपकी वसालत से यह गुजारिश करना चाहता हूं और सदर ममनून हुसैन साहब से कि इस 14 अगस्त को जनरल राहील शरीफ साहब को फील्ड मार्शल का इजाज़ दिया जाए, क्योंकि उन्होंने जो जंग जीती है वो पूरी दुनिया हार चुकी थी। यहाँ पे बड़े बड़े लीडर्स और दूसरे इलेक्टेड ऑफिशियल भी आए, हमने उनके जलसे भी किए, हमने उनसे बड़ी बड़ी बातें भी सुनी। आप लोग इस चीज़ के गवाह हैं कि आज ये जो शख्सियत हम में मौजूद हैं, क्या आपने नहीं देखा कि ये टोटली मुख्तलिफ एक माहौल है। चौधरी साहब को मेरे, मैं समझूंगा कि मुस्लिम लीग के नून के कायद हैं यहाँ पर मलिक खालिक अवान साहब जो मेरे भाई हैं, उन्होंने किस तरीके से रिक्वेस्ट की कि आप हर आदमी के पास जाएं और जाके चौधरी साहब उनसे मिलें, क्योंकि ये लोग आपके इलाके के हैं, आपको मिलने के लिए आए हैं। और चौधरी साहब मैं पूरे दावे से कहता हूं कि आज तक किसी लीडर ने ऐसा नहीं किया।
आप हाथ उठाकर मुझे बताएं किसी लीडर ने, यहां ब्रुकलिन में हो या मैनहट्टन में हो, कभी कोई लीडर आके एक एक आदमी के पास गया है तो मुझे ये बताएं। मैं बेहद मशहूर हूं चौधरी इम्तियाज साहब का और राजा रजाक साहब का कि मैं यहां पर अपने निजी दौरा के सिलसिले में आया हुआ था। मुझे उन्होंने ये मौका फराहम किया कि मैं आपसे मिल सकूं, आपसे बात कर सकूं, आपकी बात सुन सकूं और आपका प्यार और मोहब्बतें यहाँ से समेट कर पाकिस्तान ले जा सकूं। मेरे बारे में अभी कहा गया और ये बिल्कुल हकीकत है कि मैं आपकी तरह मैं भी एक ओवरसीज़ पाकिस्तानी हूँ। मैंने ज़िंदगी के 22 साल इटली में गुजारे हैं और जिन हालात में, जिस मुल्क में और जिन टफ हालात से मैं गुज़रा हूँ, शायद आप यहाँ पर बसने वाले पाकिस्तानी उससे ना गुज़रे हों। आपको ये एडवांटेज है कि एटलीस्ट आप एक ऐसे मुल्क में हैं। यकीन करें, मैं अमेरिका की इससे पहले बातें सुनते रहे, मेरी बहुत ज़्यादा ट्रैवलिंग है, मैं मिडल ईस्ट, स्कैंडिनेविया, यूरोप, ईस्टर्न यूरोप, बड़े मुल्कों में गया हूँ, फॉरेस्ट में गया हूँ, लेकिन यकीन करें मुझे बड़ी खुशी हुई कि आप उस मुल्क में बस रहे हैं कि जहाँ पर इंसानियत की कदर है। हम किसी पार्टी से नहीं हैं, हम सबसे पहले पाकिस्तानी हैं। पाकिस्तान है तो हम हैं, पाकिस्तान नहीं तो हमारी कोई शनाख्त नहीं। तो इसलिए हम सबको मिलकर अपनी सफ़ों में इत्तेहाद पैदा करना होगा और पाकिस्तान की मजबूती के लिए हमें अपना काम करना होगा। यहाँ पर किसी MNA को या किसी मेंबर पार्लियामेंट को, मेंबर सेनेट को ये ज़रूरत नहीं कि वो जाए और जाके आपके मसाइल, क्योंकि एक सिस्टम प्रॉपर काम कर रहा है, इदारे प्रॉपर काम कर रहे हैं। जिस जगह पर प्राइमरी एजुकेशन की ज़रूरत है वहाँ पर स्टेट प्रोवाइड कर रही है, जिस जगह पर हायर एजुकेशन की ज़रूरत है वहाँ पर स्टेट प्रोवाइड कर रही है, आपकी मेडिकल फैसिलिटीज़ हैं, ये सारी चीज़ें रियासत की जिम्मेदारी है। लेकिन बदकिस्मती से पाकिस्तान के अंदर ऐसे नहीं है और मैं समझता हूँ कि 68 साल तारीख उठा कर देख लें तो हमसे बाद में आज़ाद होने वाले मुल्क जो हैं उनकी तरक्की को देखें और इंसान की अकल दंग रह जाती है। लेकिन पाकिस्तान बदकिस्मती से जिन मसाइल से दो चार हुआ उसका ज़िम्मेदार आप डिक्टेटर्स जो हैं उनको ठहराएँ, उसका ज़िम्मेदार सियासतदानों को ठहराएँ। बहरहाल ये हकीकत है कि पाकिस्तान आज तक अपनी सिमत का तय्यन नहीं कर सका कि उसने सफ़र किस तरफ करना है। आज अल्हम्दुलिल्लाह मैं आपको दावे के साथ कहता हूँ कि पाकिस्तान के अंदर इनकलाबी तब्दीलियाँ आ चुकी हैं। आज का पाकिस्तान अल्हम्दुलिल्लाह आप देखेंगे कि कायद का पाकिस्तान बनने जा रहा है। आज के पाकिस्तान के अंदर तमाम चीज़ें मेरिट पर होने जा रही हैं, एटलीस्ट जो मैंने ऑब्ज़र्व किया है, जो मैंने देखा है। पूरी पाकिस्तानी कौम जो है ये इनकलाब जो अपनी आंखों में सजा कर बैठी है, जो ये सपने देख रहे हैं कि इस मुल्क के मुआशी हालात बेहतर हों, जो ये देख रहे हैं कि हमारी आने वाली नस्ल का मुस्तकबिल सिक्योर हो, जो ये देख रहे हैं कि इस मुल्क में कानून की हुक्मरानी हो, जो ये देख रहे हैं कि ये पाकिस्तान जो है अंधेरों से निकल कर एक रोशनी की तरफ गामजन हो, तो वो मैंने जब तड़प और जो लोगों की नज़रों में आस और उम्मीद देखी तो यकीन करें उस दिन मैंने ये तहिया किया कि मेरा जीना मरना, मेरा हर लम्हा जो है इस पाकिस्तानी और इस अपने हलका की आवाम के लिए वक्फ होगा। कोई गरीब से गरीब है उसको भी प्राइवेट हॉस्पिटल जाना पड़ता है और प्राइवेट हॉस्पिटल्स वाले आपको पता है कि उससे क्या चार्ज करते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह इस चीज़ को महसूस करते हुए हमने अपनी तहसील के अंदर गुलियाना मैटर्निटी हॉस्पिटल जो है वो बनवाया है 30 बेड पर मुश्तमिल, और जिसके अंदर किसी गरीब की बेटी और किसी सफ़ेदपोश की बेटी की डिलीवरी जो है वो 1 रुपया बिल के बगैर जो है वो इंशाल्लाह होगी और हो रही है। सोलह सराय आलमगीर के अंदर गर्ल्स डिग्री कॉलेज दंदीदारा, एक ऐसा हमारे वहाँ पर इलाका मौजूद है जिस तरह पाकिस्तान को यहाँ से आप 200 साल या 150 साल कहते हैं पीछे है, या यूरोप अमेरिका से 50 साल पीछे है, इसी तरह हमारे इलाके से वो इलाका 50 साल पीछे है जिसको जाबा कहते हैं, जिसमें हायर एजुकेशन का कॉन्सेप्ट नहीं, और अल्हम्दुलिल्लाह गर्ल्स डिग्री कॉलेज दंदीदारा 6 माह पहले उसकी बुनियाद रख दी गई और आज उस पर तेज़ी से काम शुरू है। तो मैं किसी को क्रिटिसाइज़ नहीं करना चाहता, आज हकायक पूरी कौम के सामने हैं। हकीकत मैं सिर्फ़ और सिर्फ आपको इतना बता देना चाहता हूँ कि जो जिस तरीके से इंटरप्ट किया गया गवर्नमेंट को, जिस ट्रैक पर हम जा रहे थे, जिस तरह चाइनीज़ इन्वेस्टमेंट पाकिस्तान में आ रही थी, जिस तरह एनर्जी के मंसूबे लग रहे थे पाकिस्तान के अंदर, और जो एक तरक्की का एक सफ़र शुरू हुआ था उसको बुरी तरह मुतासर किया गया इन धरनों की वजह से।
میں سمجھتا ہوں کہ یہ پاکستان کی خوش قسمتی ہے کہ چائنا نے اپنی پاکستان دوستی کا ثبوت دیا اور وہ دوبارہ پاکستان میں آئے. انشاءاللہ تعالی میں آپ کو اب یقین دلاتا ہوں کہ پاکستان کو ان بحرانوں سے ہم سب مل کر نکالیں گے افواج پاکستان کے ساتھ شانہ بشانہ کھڑے ہو کر. میں اس امید کے ساتھ کہ ہم سب مل کر یہاں پاک دیار غیر میں رہتے ہوئے پاکستان کے لیے بہترین سفارتکاری کریں. ہم اپنے عمل سے اور کردار سے یہ ثابت کریں کہ ہم ایک اچھی قوم ہیں. ہم یہ ثابت کریں کہ ہم میں اتفاق اور محبت ہے. ہمیں پارٹی سے ہٹ کر پاکستان کے لیے سوچنا ہے اور آپس میں اتفاق اور اتحاد پیدا کرنا ہے. میں آخر میں اس دعا کے ساتھ, خدا کرے کہ میری عرض پاک پر اترے, خدا کرے کہ میری عرض پاک پر اترے وہ فصل گل جسے اندیشہ زوال نہ ہو. یہاں جو پھول کھلے کھلا رہے برسوں, ہزاں کو کبھی یہاں سے گزرنے کی مجال نہ ہو. بہت بہت شکریہ.